था। इसके अलावा उत्तर मुगल काल के वीडियो लिंक भी आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आज भी डिस्क्रिप्शन में उत्तर मुगल काल के जो वीडियो का लिंक है वो दे दिया जाएगा, तो उसे आप जरूर देख लें क्योंकि वो आपके प्रश्न के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशासन के संबंध में। इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल पढ़ा था तो उसमें भी प्रशासन का जिक्र हुआ था, और जितने भी काल हम लोगों ने पढ़े हैं जो प्रमुख वंश रहे हैं उनके प्रशासन के संबंध में जरूर पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि किसी भी राज्य का या किसी भी साम्राज्य का अगर एक सुदृढ़ इतिहास देखने को मिलता है तो वो केवल उसके प्रशासनिक गतिविधियों की वजह से। अगर उसकी प्रशासनिक गतिविधियां बहुत अच्छी रही हो या उसका प्रशासन काफी बेहतर रहा हो तभी ये संभव है कि वह एक सुदृढ़ साम्राज्य बन पाया हो। तो हम यहां जानते हैं कि मुगल शासन भारतीय मध्यकालीन इतिहास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण वंश एवं शासन काल के रूप में देखने को मिलता है। तो ऐसे में यह निश्चित रूप से स्थापित हो जाता है कि इसमें कुछ न कुछ प्रशासनिक विशेषताएं रही होंगी जिसके कारण ऐसे सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना हो सकी। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इस प्रशासन के विभिन्न बिंदुओं के बारे में, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको क्रम से सजा करके पढ़ा जा सके ताकि हम इसे याद रख सकें। तो याद रखने की दृष्टि से और एग्जाम में महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे जा सकते हैं उन सभी दृष्टियों को ध्यान में रख करके इस पूरे वीडियो को तैयार किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस प्रशासन के क्रम में मुगल प्रशासन को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। यह इसलिए विभाजित किया जाता है ताकि साम्राज्य को सुदृढ़ रूप दिया जा सके। इसके अलावा शासन व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल सके इसलिए हमेशा प्रशासन को कई भागों में बांट लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज भी अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत जैसे देश में देश को कई राज्यों में, राज्यों को फिर जिलों में, और जिलों को फिर जो है ब्लॉक एवं प्रखंड स्तर पे विभाजित किया जाता है। और ये विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को एक सुदृढ़ ढांचा दिया जा सके। इसी प्रकार की व्यवस्था मुगल साम्राज्य काल में भी देखने को मिलती है। अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लें तो आप समझिए कि आज उन देशों में अस्थाई सरकार होगी जहां की प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर है, और जिन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर नहीं है वहां अस्थाई सरकार नहीं बन पाती है। तो यही काल था कि मुगल काल के दौरान एक अस्थाई व्यवस्था इसीलिए बन पाती है क्योंकि एक अस्थाई प्रशासनिक ढांचा तैयार हो पाता है। हालांकि बाबर बहुत जल्दी अपने साम्राज्य को छोड़कर दुनिया से चला गया था, ऐसे में उसे समय नहीं मिला कि वो एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा तैयार कर सके। और उसके बाद जो हुमायूं आया, हुमायूं भी अपने जीवन काल में लड़ते पड़ते जो है अपना समय व्यतीत कर दिया। इस क्रम में उसे भारत छोड़ करके भी 15 वर्ष के लिए बाहर रहना पड़ा था, ऐसे में उसने भी अपने साम्राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की नींव नहीं तैयार की। फाइनली अगर हम देखें मुगल काल में जिसने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को एक सुदृढ़ ढांचे में डाला तो वो था अकबर। यानी वास्तविक रूप में अकबर के समय से ही मुगल प्रशासन की शुरुआत होती है। तो हम लोग अब शुरू करेंगे जिसमें हम लोग मेन रूप से जानेंगे कि अकबर के समय से जो प्रशासनिक व्यवस्था एक सुदृढ़ रूप लेती है तो वो कैसे लेती है। तो प्रशासनिक विभाग के क्रम में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था साम्राज्य, जो प्रशासन का सबसे बड़ा भाग था, यानी सबसे बड़े क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे, साम्राज्य के नाम से जानते थे। साम्राज्य को बांटा गया था सूबा में, सूबा जिसे आज भी हम लोग बोलचाल की भाषा में राज्य यानी प्रदेश को सूबा कहते हैं। तो यानी सूबा जो था वो प्रदेश या राज्य को डिनोट करता था। सूबे को कई सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार वर्तमान में जिला के समान है, और यूपीएससी से लेकर के जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार जो प्रशासनिक व्यवस्था की इकाई थी वो मुगल काल में किसको डिनोट करती थी। तो मूल रूप से यह किसको, जिले को डिनोट करती थी। सरकार को छोटे छोटे परगनों में विभाजित किया गया था जिसे वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो प्रखंड के समान प्रतीत होता है। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी जिसे हम लोग ग्राम कह के भी संबोधित करते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं कि मुगल प्रशासन के क्रम में प्रशासनिक सुविधा के लिए सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य को कई सूबों में बांटा गया। सूबों को फिर जो है सरकार में बांटा गया, सरकार को परगने में, और परगने
मरदने को गांव के रूप में विभाजित किया गया था और इस तरह से घटते क्रम में प्रशासनिक विभाजन को स्थापित किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इस प्रशासनिक विभाजन के क्रम में जो केंद्रीय प्रशासन यानी साम्राज्य के केंद्र में जो था वहां पे कैसे व्यवस्था चलाई जाती थी, फिर प्रांतों में कैसे चलाई जाती थी, फिर सरकार में, फिर परगने में और फिर गांव में कैसे शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि नगर प्रशासन, इसके अलावा सैन्य व्यवस्था, वित्त व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वो थी बादशाह। बादशाह के इर्द गिर्द ही संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होता था। इसका कारण क्या था कि चूंकि यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यानी राजा ही सर्वोपरि होता था और बाबर के समय से ही बादशाह कहने की परंपरा जो है वो शुरू हो चुकी थी, राजा को बादशाह कह के संबोधित किया जाता था। ऐसे में बादशाह के इर्द गिर्द ही शासन व्यवस्था घूमती थी। बादशाह संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार रखता था, अर्थात बादशाह में जितने भी प्रकार की शक्तियां होती थी, चाहे वो सेना से संबंधित शक्ति हो, चाहे वित्तीय मामले की शक्ति हो, चाहे न्याय व्यवस्था की शक्ति हो या किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति हो, सभी जो है वो मूल रूप से बादशाह में शामिल हो चुके थे। इसमें अकबर ने एक नई चीज और जोड़ दी कि इससे पहले जितने भी इस्लामिक शासक हुए वो खलीफा के अनुसार अपने आचरण रखते थे या इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार अपने आचरण या अपने निर्णय को स्थापित करते थे, लेकिन अकबर ने धार्मिक मामलों में भी महजर के माध्यम से अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर दिया था। तो इस तरह से बादशाह वह पद हो गया था जो सभी मामलों में सबसे शक्तिशाली था। हालांकि औरंगजेब के समय में आते हैं तो वह इस्लामिक परंपराओं के अनुसार ही काम करना पसंद करता है और मुगल शासकों में सबसे कट्टर शासक के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। तो बादशाह का पद जो था वो सबसे सर्वोच्च होता था और सारी शक्तियां जो है उसी में सम्मिलित होती थी। अकबर के समय मंत्री परिषद बना था जिसे विजारत कह करके संबोधित किया जाता था और इस विजारत के अंतर्गत जो है वो मुख्य रूप से चार पद आते थे। पहला जो महत्वपूर्ण पद था वो था वकील का, दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था वो दीवान या वजीर का, जिसे दीवान भी कहा जाता था, वजीर भी कहा जाता था, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था जिसे मीर बख्शी कहा जाता था, और चौथा था सदर उस सदर। तो इस प्रकार से ये चार महत्वपूर्ण पद थे जो मंत्री परिषद में शामिल हुआ करते थे। बाद में वकील और दीवान को मिला करके एक ही पद बना दिया गया था और ये दोनों पद जो है वो उस समय जिसे बैरम खां के नाम से हम लोग जानते हैं उसे सौंप दिया गया था बादशाह के द्वारा। बाद में बैरम खां की मृत्यु के बाद उस पद को प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाने लगा और प्रधानमंत्री के पद पर जो है सबसे पहले बैरम खां ही बैठा था। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पद थे जिनकी सहायता से बादशाह शासन करते थे। ये मूल रूप से अकबर के समय की बात है, लेकिन बाद में चल करके पदों में और वृद्धि हुई और कई नए पद जोड़े गए जो कि मंत्री समूह में शामिल रहे। तो आइए देखते हैं उन प्रमुख पदों को जिनकी सहायता से राजा शासन करते थे। सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री कौन होते थे? तो ये वकील, वजीर और दीवान, अर्थात ये जो वजीर और दीवान है ये एक ही पद हुआ करते थे। तो इन सभी की शक्तियों को जो रखता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था और बादशाह के बाद अगर सबसे शक्तिशाली कोई पद था तो यही था और सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। इसको वित्त संबंधी सारी शक्तियां प्राप्त थी यानी वित्तीय मामले में राजा के सबसे सहयोगी जो थे वो यही होते थे। वास्तव में अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो जो वित्त मंत्री होते हैं हमारे देश में उस प्रकार की शक्तियां किसी को प्राप्त थी तो वो उस समय के प्रधानमंत्री को प्राप्त थी जो वकील और वजीर या दीवान के पद पे रहते थे और बादशाह वर्तमान के प्रधानमंत्री के पद से उनकी तुलना की जा सकती है। हालांकि दोनों ही परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आज लोकतंत्र है और उस समय राजतंत्र था। आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो मीर बख्शी जो कि एक महत्वपूर्ण पद था हम लोगों ने देखा। मीर बख्शी क्या था? तो सैन्य विभाग का प्रधान होता था यानी सेना का सबसे जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था। यहां पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कि आप समझ रहे होंगे कि ये क्या ये सेनापति था। जी नहीं, सेनापति सैन्य संचालन का सबसे जो है लीडर होता है वो सेनापति होता है। ये रक्षा मंत्री के समान था। जैसे वर्तमान में भी आप देखें तो रक्षा मंत्री रक्षा से संबंधित
सारे कार्यों को करते हैं लेकिन वो सेना को लीड नहीं करते हैं। उसी तरह से जो ये मीर बख्शी थे वो रक्षा मंत्री के समान काम करते थे सेना से संबंधित, बल्कि सेनापति नहीं थे। सेना से संबंधित काम से क्या समझते हैं? सेना से संबंधित काम का मतलब हो गया सेना की भर्ती करना, सेना की रख रखाव, उनके वेतन, उनकी देखभाल, उनकी छुट्टियां, उनके हुलिया लिखने, उनको दागने, जितने भी तरह के सेना से संबंधित काम थे वो मीर बख्शी के नेतृत्व में ही किए जाते थे। यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था जो राजा की दृष्टि से उनके सहयोग में कार्य करता था। तो इस तरह से आप मीर बख्शी के पद को समझ सकते हैं। तो सेना की भर्ती, देख रेख, वेतन आदि का संचालन किसके माध्यम से होता था? तो मीर बख्शी के माध्यम से। सदर उस सदर, यह धार्मिक मामलों का जो है सलाहकार होता था, जो बादशाह को धार्मिक मामलों में सलाह देता था। तो प्रारंभिक चरण में तो हमेशा जो है वह बादशाह धार्मिक मामलों में सहयोग लेता रहा, लेकिन बाद में चल करके जब उसने महजर की घोषणा कर दी तो वो धार्मिक मामलों में जरूर सलाह लेता था लेकिन वो निर्णय जो है वो खुद अंतिम रूप से देता था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पद था। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि सदर उस सदर जो है वो किस प्रकार का एक विभाग था, तो यह धार्मिक विभाग था जो राजा को जो है यानी बादशाह को जो है वो धार्मिक मामलों में जो है सलाह देने का कार्य करता था। इसके अलावा जो अन्य पद जो मंत्री परिषद के अंतर्गत शामिल होते चले गए उन पद को थोड़ा सा देखते हैं। एक पद है मुख्य काजी या काजी उल कुजात भी जिसे कहा जाता है, यह मुख्य न्यायाधीश का पद होता था। अब जैसे उस समय की स्थिति बात करें तो बादशाह ही वास्तव में सबसे बड़ा न्याय का मूर्ति होता था और मुगल काल में न्याय की व्यवस्था को लेकर के दोनों रूप देखे जाते हैं, कठोर रूप भी, उदार रूप भी, लेकिन एक संतुलित न्याय की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। हालांकि बादशाह सबसे बड़ा न्यायाधीश जरूर होता था लेकिन बादशाह के अलावा बहुत सारे न्यायाधीश होते थे जो न्यायिक संबंधी कार्य करते थे और इनमें जो सबसे प्रमुख होता था उन्हें मुख्य न्यायाधीश या मुख्य काजी या काजी उल कुजात कहा जाता था, जो कि न्याय मामले का पूरे राज्य क्षेत्र का सबसे प्रमुख होता था। अगर इससे ऊपर कोई होता था तो वो केवल बादशाह होता था, इसे याद रखना है। मुहतसीब, यह मुहतसीब क्या थे? तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना, यानी जो प्रजा है वो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, वो नियमों का पालन जो है वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इसकी देखभाल करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उसे मुहतसीब कहा जाता था। यानी यह प्रजा के नैतिक आचरण से संबंधित जो है गतिविधियों पर नजर रखता था और उसे लागू करवाने का प्रयास करता था। इसके अलावा मीर ए समा या खान ए समा, जो बादशाह के दैनिक जीवन के आवश्यकता से संबंधित या उनके परिवार के आवश्यकता से संबंधित चीजों की देखरेख करता था, यानी उनको सही समय पे भोजन मिले, खाने पीने, रहने, इन सब चीजों के बारे में जो देखरेख करने के लिए एक मंत्री या अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें कहा जाता था मीर ए समा या खान ए समा। ये खाने पीने से लेकर के देखरेख करने से संबंधित कार्य को करने का कार्य करते थे। मीर ए आतिश, आतिश मतलब ही आतिशबाजी, पटाखे फोड़ना, तो यानी शाही तोप खाने का प्रावधान, यानी शाही जो तोप खाना था, आपको पता होगा कि बाबर जो है भारत में आकर के विजयी इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने युद्ध कला में जो है तोपों का प्रयोग किया, तो तोप खाने जो है वो हमेशा से मुगलों के लिए महत्वपूर्ण रहे, इसलिए एक अलग से मंत्री भी देखने को मिलता है जिसे हम लोग मीर आतिश कहते हैं। ये मीर आतिश जो है वो शाही तोप खाने का प्रधान हुआ करता था। और लास्ट है दारोगा ए डाक चौकी। डाक चौकी मतलब डाक व्यवस्था, जो आज हम लोग डाकिया की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान होता था और एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को पहुंचाना या गुप्त रूप से सूचनाओं को मंगवाने से संबंधित जो अधिकारी होते थे उन्हें दारोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। इस प्रकार से ये प्रमुख जो है मंत्री पद थे। आइए फिर से रिपीट करते हैं और थोड़ा सा इस बार ट्रिकी याद करने का प्रयास करते हैं। बादशाह आप समझ गए, मंत्री परिषद में चार प्रारंभिक कौन थे? तो वकील, दीवान और वजीर, मीर बख्शी और सदर उस सदर। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये तीन पद वकील, दीवान और वजीर, इनको मिलाकर के बनाया गया था और फिनांस मिनिस्टर के समान ये काम करते थे। मीर बख्शी की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेना से संबंधित जो देखरेख का काम करते थे वो मीर बख्शी थे। सदर उस सदर ये धार्मिक मामलों के हेड हुआ करते थे, ये हम लोगों ने जाना। मुख्य काजी आराम से काजी उल कुजात जो है, काजी क्या करता है तो न्याय से संबंधित कार्य करता था।
मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरणों के बारे में जानता था। मीर ए समा या खान ए समा यानी खाने पीने देख रेख के संबंधित काम करता था। मीर ए आतिश आतिशबाजी यानी तोप खाने का प्रधान और दरोगा ए डाक चौकी। नाम से याद रख सकते हैं कि गुप्तचर और डाक संबंधी यानी सूचना पहुंचाने और लाने से संबंधित विभाग को कहा जाता था। इस पॉइंट में एक पॉइंट है सरखत। सरखत एक प्रकार का लेटर होता था जो मीर बख्शी के द्वारा साइन किया जाता था। कहा जाता है कि इसी लेटर को साइन करने के बाद सैनिकों की वेतन जो है वो मिलती थी। तो ये एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि मीर बख्शी के द्वारा कौन सा लेटर साइन किया जाता था जिसके बाद जो है सेना को वेतन प्राप्त होता था। तो सरखत नामक लेटर जो है वो किसके द्वारा साइन किया जाता था? तो मीर बख्शी के द्वारा साइन किया जाता था। क्यों? क्योंकि मीर बख्शी ही सेना का प्रमुख था और इस प्रकार से इसी के पत्र के बाद जो है सेना को वेतन जो है वो प्राप्त हो पाता था। तो ये था हमारा केंद्रीय प्रशासन। उम्मीद करते हैं केंद्रीय प्रशासन में बादशाह और उनके विभिन्न मंत्रियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। प्रांतीय शासन, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्रांतों को सूबा कह के संबोधित किया जाता था, यानी राज्य जो थे वो सूबा कह के संबोधित किए जाते थे। तो प्रांतों को सूबा कहा जाता था, यानी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि सूबे का शासन कैसे चलता था। सबसे पहले ये जानते थे कि सूबा की परंपरा कब से शुरू हुई। तो मैंने बताया कि बाबर और हुमायूं के समय पूरी तरह से सुदृढ़ शासन व्यवस्था बनी ही नहीं, तो सबसे पहले सूबा का जिक्र जो है वो अकबर के समय ही मिलता है और अबुल फजल जो है वो अकबर के समय 12 जो है सूबों का वर्णन करता है। लेकिन बाद में उसने चल करके दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों को जीता और इस तरह से जो है उसके समय 15 सूबे जो है यानी 15 राज्य देखने को मिलते हैं। तो अकबर के समय राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। वहीं फिर शाहजहां आते हैं, शाहजहां के समय सूबों की संख्या बढ़ करके 18 हो जाती है और औरंगजेब के समय बढ़ करके सूबों की संख्या 20 हो जाती है। ऑब्जेक्टिव के क्रम में यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक सूबे यानी राज्य जो है वो किस मुगल शासक के समय थे। तो औरंगजेब के समय जो है ये सबसे अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। अब आते हैं सूबों के संचालन के लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था सूबेदार। सूबेदार से नाम से ही स्पष्ट होता है सूबे का संचालक सूबेदार होता था, यानी सूबे का सबसे यह प्रमुख अधिकारी होता था और इसके पास समस्त सैनिक शक्तियां प्राप्त होती थी ताकि वो अपने सूबे की देखभाल कर सके। और इस हद तक इसको अधिकार प्राप्त होते थे कि यह अपने सूबे का बादशाह होता था। अधिकांशतः ये देखने को मिलता है कि सूबेदार राज परिवार के ही सदस्यों को बनाया जाता था, यानी राजा अपने बेटे या पोते को जो है या नाती को जो है मूल रूप से सूबेदार के पद पर चुनते थे, क्योंकि बादशाह की ट्रेनिंग सूबेदार से ही हो जाती थी। तो इस प्रकार से सूबेदार का पद जो है वो एक प्रकार से बादशाह के समान ही था कि जैसे केंद्र में बादशाह प्रमुख होता था वैसे ही सूबे में सूबेदार जो है वो एक प्रकार से बादशाह के समान शासन करता था। उसके अलावा दीवान पद जो है वो एक महत्वपूर्ण पद था जो होता था मूल रूप से सूबों में। ये दीवान क्या करते थे? तो ये वित्त मंत्री वाले काम करते थे, जिस तरह से वित्त मंत्री का काम यहाँ पर जो है वजीर और वकील करते थे केंद्र में, उसी तरह से दीवान करते थे कहाँ पे? राज्यों में। लेकिन अंतर क्या है इसको समझिए। अंतर ये है कि जो केंद्र में दीवान होते थे वो राजा के लिए पैसे इकट्ठे करते थे, उन पर नजर रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सूबेदार सूबे में पैसा इकट्ठा करके दीवान जो है वो सूबे में पैसा इकट्ठा करके सूबेदार को दे दे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे सूबे से ही मिलकर के बनता है केंद्र और सारे राज्य खुद अपने पास पैसा रख लेंगे तो केंद्र को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ऐसे में जो केंद्र का वकील या वजीर होता था इसके नेतृत्व में ही यहां का सूबेदार यानी दीवान काम करता था और वित्त से पैसे जो उगाही होती थी वो केंद्र को भेज दिया करते थे। तो इस तरह से संचालन होता था पूरे शासन व्यवस्था का। उदाहरण के लिए आज जैसे प्रधानमंत्री केंद्र के हेड होते हैं, उसी तरह से सूबेदार अर्थात मुख्यमंत्री राज्यों के हेड हुआ करते थे। इस तरह की स्थिति उस समय भी देखने को मिलती है। एक प्रमुख पद था बख्शी, जो सूबे में सेना से संबंधित। तो जैसे हम लोगों ने यहां मीर बख्शी पढ़ा वैसे ही बख्शी पद जो था वो सेना से संबंधित राज्यों में था। तो यानी जिस प्रकार से केंद्र में एक सुदृढ़ व्यवस्था थी सेम उसी प्रकार से राज्यों में भी एक सुदृढ़ व्यवस्था देखने को मिलती है जो संचालन करती है सूबे का।
इसके अलावा केंद्र के समान ही राज्यों में न्याय के लिए एक न्यायाधीश का पद, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाल का पद आदि बनाया गया था ताकि सूबे का संचालन बेहतर ढंग से किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा कि प्रांतों की व्यवस्था भी सुदृढ़ थी ताकि प्रांतों में भी विद्रोह न हो और शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से बने रहे। प्रांतों को बांटा गया था सरकार में, सरकार यानी जिला। ये मैंने अभी भी बताया कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सरकार को क्या कहा जाता है, आधुनिक रूप में तो जिला कहा जाता है। तो जिले का जो सबसे हेड होता था उसे फौजदार कहते थे। यहां पे याद रखना बहुत आसान है कि सूबे का सूबेदार तो जिले का फौजदार। तो फौजदार जो होता था वो क्या होता था, वो सरकार का यानी जो जिला है उसका एक प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था, यानी पूरी सैनिक शक्ति इसके पास होती थी, अच्छे ढंग से सेना का नेतृत्व कर सके, सेना की तरह कार्य कर सके। और इस सैनिक पद के कारण वह जिले पर जो है नियंत्रण रख सके, किसी प्रकार का विद्रोह ना होने दे, अच्छे ढंग से वहां पर पैसा कलेक्शन हो, राजस्व का कलेक्शन हो और राजा के पास भेजा जा सके। और राजा हमेशा अपने वफादार व्यक्तियों को ही फौजदार चुनते थे। इसके लिए उसकी नियुक्ति जो है डायरेक्ट कौन करता था, राजा ही करता था। जितने भी सरकारें बनती थी उन सरकारों के अंतर्गत जो फौजदार होते थे उनकी नियुक्ति डायरेक्ट बादशाह के स्तर से की जाती थी ताकि वह बादशाह के प्रति समर्पित रहे, ना कि वो जा करके सूबेदार से मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह से प्रांतों के स्तर पर सारी व्यवस्थाएं थी उसी तरह से सरकार के स्तर पर भी न्याय व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए और राजस्व की उगाही के लिए अलग अलग पद बनाए गए थे और ये सभी पद न्याय, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को किया करते थे ताकि किसी प्रकार से वहां पे अव्यवस्था न फैले। सबसे नीचे आते हैं तो परगना, जो प्रखंड के स्तर का एक था, और परगना के जो हेड होते थे उसको सिकदार कहते थे। तो याद रखना बहुत आसान है, सूबेदार, फौजदार और सिकदार। तो सिकदार जो होता था वो परगने का जो है प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था और पूरे परगने की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, सिकदार की। इसके अलावा परगने के स्तर पर भी न्याय और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जो कुछ पद हैं वो बनाए गए थे। सबसे जो निचला स्तर होता था वो कौन होता था, वो गांव था, जो गांव ग्राम पंचायत के माध्यम से चलता था। यहां पर ज्यादातर अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते थे राजा के स्तर से और ग्रामीण संरचना से ही काम लेने का प्रयास किया जाता था। और इस ग्राम पंचायतों का जो हेड होता था उसको कहा जाता था खुत या मुकद्दम या चौधरी, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते थे ग्राम प्रधान के लिए। और ये किसी प्रकार से सहयोग करते थे ग्राम के प्रशासन को लेकर के। इसके अलावा एक पद मिलता है पटवारी, ये पटवारी शब्द आज भी काफी पॉपुलर है। ये ग्रामीण स्तर पर राजस्व की उगाही के लिए जो है वो राजा के द्वारा रखा जाता था, जो ग्राम स्तर पर राजस्व वसूल करते थे और फिर इस तरह से क्रम से ऊपर भेजना, फिर ऊपर भेजना, फिर ऊपर भेजना और फिर यहां से पहुंच जाता था केंद्रीय प्रशासन के पास और पूरा पैसा जो है वो गांव से वसूल करके राजा के पास भेजा जाता था। क्योंकि जिस साम्राज्य के पास जितना अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होगा यानी पैसे जितने अधिक होंगे वो राजा उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही राज्य सुदृढ़ बनेगा। तो इसीलिए निम्न स्तर तक लगान व्यवस्था होना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। एक पॉइंट और यहां पर याद रख सकते हैं कि जो गांव होते थे वो गांव को मावदा या दीह भी कहा जाता था और जो बहुत छोटे गांव होते थे उसको नागला कहा जाता था। ये कुछ पॉइंट है जो कि आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नगर प्रशासन के संबंध में। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि केंद्र, सूबे, जिले और अन्य क्षेत्रों में प्रशासन के बेहतर रूप को मुगलों ने स्थापित किया था, उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र को भी प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाने का प्रयास जो है मुगल शासन के दौरान किया गया। इसके लिए जो सबसे प्रमुख पद स्थापित किया गया था वो एक कोतवाल का पद बनाया गया था। कोतवाल पद जो था वो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से नगर पालिका काम करती है और नगर में पुलिसिंग की व्यवस्था काम करती है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को कोतवाल के सामने रख दिया गया। अर्थात कोतवाल पूरे शहर की व्यवस्था देखता था और साथ ही साथ वहां शांति व्यवस्था बहाल हो सके इसलिए वो पुलिस संबंधी पावर भी अपने साथ रखता था। इस प्रकार से कोतवाल और नगर के पुलिसिंग व्यवस्था तक की सारी जिम्मेदारी जो है वो कोतवाल के पास अकेले होती थी और इसके नेतृत्व में
कई अन्य विभाग भी बनाए गए थे और कई जो है अन्य अधिकारी पद भी दिए गए थे ताकि नगरों की व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाया जा सके। तो इस तरह से नगरीय शासन भी अच्छे ढंग से चलाया जाता था। बात करते हैं अब सैन्य व्यवस्था की। तो राजा के पास सैन्य व्यवस्था थी ताकि इस इतने बड़े क्षेत्र को बादशाह अच्छे ढंग से कंट्रोल में कर सके। आप जानते होंगे कि भारत के अधिकांश भागों में यानी अफगानिस्तान सीमा प्रांत से लेकर के दक्षिण में बीजापुर गोलकुंडा तक के क्षेत्र पर जो है वो मुगलों का आधिपत्य रहा। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी था कि एक मजबूत सैनिक व्यवस्था हो, इसलिए सैन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। खास करके अकबर द्वारा जो है एक मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब मनसबदार क्या होता था, तो एक पोस्ट क्रिएट किया जाता था जिसमें उसे कुछ पद दिए जाते थे, पद के साथ वेतन दिए जाते थे और वेतन के साथ उन्हें सैनिक रखने की इजाजत दी जाती थी। ऐसे में एक मनसबदार सैनिक हुआ करता था। ये सैनिक कौन होते थे, तो ये मनसबदार के अधीन होते थे और मनसब के अंतर्गत रह करके राज्य की रक्षा में योगदान देते थे। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक होते थे जिसको कहा जाता था अहदी सैनिक। ये अहदी सैनिक कौन थे, तो ये बादशाह के सैनिक थे और बादशाह के नियंत्रण में रह करके जो है ये रक्षा करते थे पूरे साम्राज्य की। तो मूल रूप से दो प्रकार के सैनिक देखने को मिलते हैं, एक मनसबदार सैनिक जो मनसबों के नीचे रह करके सुरक्षा के लिए कार्य करते थे और दूसरा था अहदी सैनिक जो डायरेक्ट बादशाह के द्वारा नियुक्त होते थे और बादशाह के नियंत्रण में हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि सैनिकों के प्रकार कितने थे। तो सैनिक मूल रूप से पांच रूप में देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, घुड़सवार सेना। चूंकि मुगलों की सेना में घुड़सवारों की संख्या अच्छी खासी होती थी और उच्च नस्ल के घोड़े रखे जाते थे, इसलिए घुड़सवार सेना हमेशा से प्रमुख थी। घुड़सवार सेना में सबसे प्रमुख बातें रही कि दो अस्पा, सिंह अस्पा जैसे कानून जो है वो जहांगीर के द्वारा लाए गए थे और मैंने जहांगीर से संबंधित वीडियो में इसे डिटेल में बताया भी है। इसके अलावा मनसबदारी से संबंधित पॉइंट जो है वो मैंने अकबर से संबंधित वीडियो में भी बताया है, तो अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखे तो एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। बात करें पैदल सेना, तो पैदल सेना भी सेना का एक प्रमुख पार्ट थी और पैदल सेना के दो भाग थे, एक थे बंदूकची और दूसरा था शमशीरबाज। बंदूकची जो होते थे वो बंदूक लेकर के आगे बढ़ते थे और शमशीरबाज जो होते थे वो तलवार, शमशीर यानी तलवार रखते थे। तो इस तरह से पैदल सेना में बंदूक रखने वाले और तलवार रखने वाले योद्धा हुआ करते थे। तीसरा था हाथी सेना, और हाथी सेना के संबंध में कहा जाता है कि लगभग 50,000 की इनकी हाथियों की एक बड़ी फौज थी जो पूरे भारत में जो है फैली हुई थी और इसके माध्यम से वो किलों को तोड़ने और किलों में जो है या फिर सेना में जो है खलबली मचाने के लिए जो है हाथियों का प्रयोग करते थे। तोपखाना ये एक महत्वपूर्ण था, हम लोगों ने पढ़ा भी था यहाँ पे कि मीरे आतिश के नेतृत्व में जो है शाही तोपखाना हुआ करता था। तोपखाना मुगलों के सेना का एक महत्वपूर्ण पार्ट था क्योंकि इसी की वजह से वो भारत के अधिकांश भागों में जीत दर्ज कर पाता था। तो तोप जो है उसकी सेना का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। नौसेना की बात करें तो मुगलों ने नौसेना की स्थापना जरूर की थी लेकिन मजबूत नौसेना नहीं बना पाई थी। इसका कारण था कि मुगलों का जो साम्राज्य था वो मूल रूप से स्थलीय भागों में था, समुद्री किनारे वाले क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य उतना ज्यादा नहीं था और ना ही कभी उसने जो है समुद्री क्षेत्र के माध्यम से दूसरे देशों को जीतने का प्रयास किया, जिसके कारण नौसेना जो है वो बहुत मजबूत नहीं थी और इसी कारण से वो पुर्तगालियों या अंग्रेजों का सामना भी बाद में नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी नाम मात्र का ही सही, लेकिन नौ सेना जरूर मौजूद थी। तो इस तरह से ये सेना के प्रमुख प्रकार थे और इन्हीं सेनाओं के वजह से जितने भी अकबर से लेकर के जहांगीर तक जो युद्ध विजय देखने को मिलते हैं इन्हीं सैनिकों के बदौलत हुए थे। अब बात करते हैं वित्त व्यवस्था या राजस्व से संबंधित पॉइंट की, यानी इनके पास धन उगाही का साधन क्या था और पैसे कैसे प्राप्त होते थे राजा के पास, यानी राजा के आय का साधन क्या होता था। बात करते हैं भू राजस्व, यानी जमीन से यानी भूमि से कृषि के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व, यानी राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन। भू राजस्व वो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक भूमि से प्राप्त होने वाला आय ही किसी भी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था और ये बात मुगल काल में भी एकदम सही बैठ सटीक बैठती है कि राजा की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो कृषि से यानी भूमि से प्राप्त होता था। इस दौरान अकबर ने दो बंदोबस्त चलाए थे, एक जब्ती प्रणाली थी। जब्ती प्रणाली में भूमि पर कौन सी फसल लगाई गई थी उसके अनुसार उनसे टैक्स वसूला जाता
था, और दहसाला बंदोबस्त जिसे 80 में स्थापित किया गया था 1580 में, टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसमें मूल रूप से क्या किया जाता था कि 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था और उसके आधार पर जो है लगान निर्धारित किया जाता था। तो ये दोनों ही व्यवस्थाएं अकबर से जुड़ी रही और काफी प्रचलित रही। बात करें अकबर के समय तो 1/2 या 1/3 के बीच जो है टैक्स निर्धारित होता था, यानी 33% से लेकर के लगभग 50% तक में टैक्स लिया जाता था। लेकिन जब वही औरंगजेब आता है तो वो अपने टैक्स रेशियो को बढ़ा देता है और कुछ क्षेत्रों में वो 2/3 यानी 66% तक टैक्स वसूलना शुरू कर देता है। यानी भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व ही राजा के आय का प्रमुख साधन बना रहा। बात करें कि भूमि के प्रकार की, यानी सभी भूमि पर एक प्रकार से टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि हर भूमि की क्वालिटी अपनी अपनी अलग होती थी, इसलिए भूमि के कई प्रकार यहाँ देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं। पोलस भूमि वो भूमि होती थी जिन पर लगभग प्रतिवर्ष जो है खेती की जाती थी, यानी हर वर्ष खेती होगी तो उस जमीन पर टैक्स का रेशियो जो है वो ज्यादा होगा। दूसरा था प्रतिभूमि, जिसमें 1 या 2 वर्षों पर खेती होती थी, अर्थात प्रतिवर्ष ना होकर के 1 वर्ष गैप कर या 2 वर्ष गैप करके जो है उस पर अनाज का उत्पादन किया जाता था तो उस पर कुछ कम टैक्स लगता था। बात करें चाचर भूमि, या इसी को छछर भूमि भी कहा जाता है। तो चाचर भूमि या छछर भूमि क्या थी, ये लगभग 3 या 4 वर्षों पर यहाँ खेती की जाती थी। और एक थी बंजर भूमि, जहां पर 5 वर्षों तक खेती नहीं होती थी उस भूमि को बंजर भूमि घोषित कर दी जाती थी, यानी 5 वर्षों के बाद कभी हुई और फिर 5-6 वर्षों तक उस पर भोजन या अनाज नहीं उपजाया जा सका। तो इस प्रकार से ये भूमि के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। याद रखना बहुत आसान है, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर याद रख लीजिएगा। प्रतिवर्ष 1 या 2 वर्ष गैप करके, 3 या 4 वर्ष गैप करके बंजर भूमि। अब बात करते हैं कि इन खेती करने वाले किसानों की भी स्थिति थी और उनके भी कई टाइप देखने को मिलते हैं। एक किसान थे खुद कास्त, यानी जो अपने ही गांव में रह करके खेती करते थे और अनाज उपजाते थे, उन्हें खुद कास्त कहा जाता था। दूसरा था पाही कास्त। पाही कास्त वैसे किसान होते थे जो अपने गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव में जाते थे और वहां खेती करते थे और वहां से अनाज उपजाते थे और उनमें से टैक्स देते थे, तो वो पाही कास्त कहलाते थे। और तीसरा है मुजारियन। मुजारियन कौन थे, तो ये भूमि को, अपने गांव की भूमि को ऋण पर ले लेते थे और उसमें से जो है अनाज उत्पादन करते थे। ये ऋण दे करके या बटाई के रूप में लेकर के जो है इस पर खेती करते थे और वहां से जो है टैक्स भरते थे। तो इस प्रकार के जो अनाज उत्पादक किसान थे उनको मुजारियन कहा जाता था। तो ये 3 प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था जो थी वो मुगल काल में एक सूत्री नहीं देखने को मिलती, यानी एक सुदृढ़ नियम से न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जहां अकबर थे वो न्याय प्रिय थे, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे और एक संतुलित न्याय करते थे। वहीं जहांगीर के समय न्याय की जंजीर लगाई गई थी और काफी प्रसिद्ध है न्याय की जंजीर, और प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। लेकिन जब औरंगजेब के समय आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब जो है वो पूरी तरह से जो है एक पक्षीय न्याय करता है, मुसलमानों के पक्ष में हमेशा न्याय करता है और वह हिंदुओं के पक्ष में न्याय नहीं करता है। यानी न्याय की व्यवस्था जो है बहुत सुदृढ़ नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर न्यायिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं देखी जाए तो न्याय व्यवस्था यहाँ कठोर हुआ करती थी। दंड में मृत्यु दंड आम थी, किसी को भी मृत्यु दंड दे दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो आंख के बदले आंख निकालना और हाथ के बदले हाथ काटना जैसे दंड भी इस समय प्रचलन में थे। तो एक सूत्री न्याय नहीं था और दंड विधान कठोर थे, मृत्यु दंड दिए जाते थे। ये न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी। और न्याय का सबसे हेड कौन होता था, तो बादशाह खुद जो है वो न्याय व्यवस्था का हेड होता था। लेकिन ऐसे मुख्य काजी जो होते थे वो न्याय व्यवस्था के एक व्यवहारिक हेड के रूप में स्थापित थे और न्याय के कार्य को करते थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद एक मैं पिक्चर भी दे रहा हूँ जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये साफ ना दिखे, क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स जरूर बनाइएगा। एक वीडियो और हम लोग डालेंगे मुगल कला से संबंधित, उसके बाद हमारा ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के
माध्यम से मध्यकालीन भारत को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको जितने भी पुराने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियो मौजूद है वो उपलब्ध है, तो उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लें, रिविजन कर लें, ताकि आप अच्छा जो है आंसर आपका जो है तैयार हो सके।